रहे हैं आप लोग कि क्या मांगे हैं आप? मेरा नाम सोहन कुमार है, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ। 2020 में मैंने एग्ज़ाम्स दिया था, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर दिल्ली में आज धरने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मेरे साथी लोग करीब ये 10,000 की संख्या में हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ने इन्हें आश्वस्त किया था 30 सितंबर की हियरिंग में, 30 सितंबर को गवर्नमेंट ने कहा था कि आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कोविड अफेक्टेड हैं, एज पार्ट हैं, या फिर वो अपना अटैम्प्ट दे पाए या नहीं दे पाए, तो सभी को कंसीडर करके उन्हें एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिए जाने की के लिए उन्होंने आश्वस्त किया था। बट फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट जब यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है तो इसमें किसी को भी रिलीफ नहीं दिया गया है। तो हमारी डिमांड ये है कि यूपीएससी हमारी जो एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट की डिमांड है इसको कंसीडर करे और फाइनल हमें रिलीफ दे ताकि हम 2021 सीएससी के एग्ज़ाम्स में बैठ पाएँ। सभी लोगों की यही एक डिमांड है और हम डॉक्टर जितेंद्र सर जो कि यूपीएससी के डीओपीटी के चेयरमैन हैं उनसे हमारा आग्रह है कि आप लोगों ने हमें आश्वस्त किया था। आपके रैंक क्या थे? ओबीसी है क्या? हाँ, था आपका मैं एज बार कैंडिडेट हूँ। मेरे अटेम्प्ट भी ख़त्म हो रहे हैं और मैं एज बी बार्ड हो जाऊँगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अभी हमारी यही डिमांड थी कि हम एज रिलैक्सेशन नहीं चाह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप वन टाइम रिलैक्सेशन दीजिए। इसमें ओबीसी जनरल कितने इसमें छात्र थे? इसमें लगभग कितने छात्रों ने परीक्षा दी है और कितने छात्रों की आयु जो थी वो खत्म होने वाली थी और आयु कितनी बढ़ाना चाह रहे हैं? इसमें टोटल 10,000 कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स और इसमें से करीब 3,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस बार कैंडिडेट्स हैं और कुछ इनमें से कोविड वॉरियर्स हैं, कुछ कोविड अफेक्टेड हैं, कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए आईएएस की परीक्षा को आप सर्विस कहते हैं, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक सर्विस है जिसमें तन मन धन से स्टूडेंट्स ये प्रेरणा लेता है कि वो अगर जॉब में जाएगा तो वो फाइनल इस देश की सर्विस करेगा, देश की सेवा करेगा। और वही काम हमने कोविड-19 के चलते जो देश की हालात रही हैं उसमें हमने किया है। तो हमारे साथ ही गवर्नमेंट क्यों धोखा कर रही है? हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि हमें एक बार और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कंसिडर किया जाए और 2021 सीएससी की परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। प्रियंका, कहाँ से आई हो और किसकी छात्र हो, क्या मांगे हैं आप लोगों? मैं हरियाणा से हूँ सर, मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ और हम लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है कोरोना की वजह से हर किसी को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दे रही है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो या चाहे फार्मर्स हो, हर किसी को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन की देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोगों को कोई कंसेशन नहीं मिला स्टूडेंट्स को। बात यह है कि हम लोग जब एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम ये कहा गया कि आप लोगों का मैटर अगर ये यूपीएससी कंसिडर नहीं करता है तो आप हमारे पास आइए, अभी एग्जाम करवा देते हैं, क्योंकि डीओपीटी और यूपीएससी के रिस्पोंडेंट ने बोला है कि बाद में आप लोगों का इशू कंसिडर किया जाएगा कि हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के ऊपर सोचेंगे। उसके बाद ये हुआ सर कि एग्ज़ाम हो गया, मेरा जो है अटेम्प्ट बार हूँ, मैं इस बार नहीं हूँ। तो इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी परसुएट किया गवर्नमेंट को कि आप इनके बारे में कंसिडर कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए कितने बच्चों का जो भविष्य होगा वो खराब होगा कोविड के चलते। ये अप्रोक्स 10,000 बच्चे हैं जिनका लास्ट अटैम्प्ट था, चाहे वो इस बार थे, चाहे वो अटैम्प्ट बार थे और चाहे वो किसी भी कैटेगरी से था। तो हम लोग जो अटैम्प्ट बार थे सिर्फ उन लोगों के लिए गवर्नमेंट के जो रिस्पोंडेंट थे उसने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हम एग्री करते हैं। देखिए अभी कल हंगर स्ट्राइक के लिए बच्चे जा रहे हैं उस पे मुखर्जी नगर में, तो कल से हंगर स्ट्राइक शुरू होगा। हमारी ये कंटिन्यूसली की डिमांड रहेगी जब तक हमें अटैम्प्ट नहीं मिलता। थैंक यू।